टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना अंतर्गत आने वाले जगत नगर गांव में भामर घाट पर कुछ लोगों द्वारा चार पहिया वाहन से बॉर्डर पार किया जा रहा था और शराब की तस्करी भी की जा रही थी। सूचना मिलने पर नगर रक्षा समिति के सिपाही और एसआई ने मौके पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि आरोपी रंगरेलियां मनाने वहां से गुजर रहे थे। पुलिस ने पूछने पर उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। दबंगों ने पुलिस के साथ मारपीट भी की है, साथ ही अपहरण करने की भी कोशिश की गई। गांव के जागरूक लोगों ने मामले के बीच बचाव किया और पुलिस को छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि आरोपियों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं, वो अपनी मनमानी करने में लगे और पुलिस पर हाथापाई करने से बाज नहीं आए। नगर रक्षक द्वारा बताया गया कि दो पहिया वाहन से शराब की तस्करी भी की जा रही थी और चार पहिया वाहन में एक लड़की भी थी। अब आप ही सोच समझ सकते हैं कि मामला क्या है। इसमें साफ जाहिर होता है कि ये पूरा मामला शराब और शबाब का है। फिलहाल पुलिस के साथ मारपीट करना बहुत ही निंदनीय है। पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। इस पूरे मामले में चार पहिया गाड़ी किसी पत्रकार की बताई जा रही है। मोहनगढ़ से कैमरामैन अनुराग सेन के साथ अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।